पूरी रात सोए नहीं हम दोनों, तो ये बस फजर की नमाज़ हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद जो है मुस्तईन हलवा पूरी लेकर आए थे, वो मैंने निकाल ली थी प्लेटों में। अच्छे खिज़र को बहुत पसंद है हलवा पूरी, बच्चे शौक से खाते हैं। और ईद की सुबह थी तो बस बच्चों को उठाया और कपड़े चेंज करने के लिए कहा, तो ये मूसा भाई माशाल्लाह से उठ गए थे सुबह ही सुबह। ये खिज़र भी अपना सूट लेने के लिए आ गए थे माशाल्लाह से। बस नहा धो के जो है ना इन्होंने कपड़े पहने, और बस इनकी जो है ना मैं बटन वगैरह बंद कर रही थी। बस बाकी जो है ना अरहम को बहुत उठाने की कोशिश की कि वह अरहम उठ जाएँ और नमाज़ के लिए जो है ना चलें बाबा के साथ, लेकिन बस बच्चे तो बच्चे हैं। अहमद बाबा को भी बहुत उठाया पर नहीं उठे। बस ये लोग तैयार हो गए थे और खिज़र ने अपनी सैंडल वगैरह पहन ली थी और बस नमाज के लिए चले गए ये लोग। और अरम नहीं उठे थे उस वक्त, नींद में बहुत थे क्योंकि लेट नाइट सोए थे। तो बस यहाँ पर जो है ना नमाज वगैरह पढ़ के बच्चे आ गए थे और ये जो है दोनों जो है ना बस अपने गेम वेम और अपनी चीज़ों में एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे। बस मैं भी नहावा के फ़्रेश हो गई थी और बहुत गर्मी थी आज, बहुत शदीद गर्मी थी। तो बस दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ और ज़्यादा तैयार होती, तो मैंने कहा क्यों ना बस जल्दी से जो है ना किचन की तरफ जाऊँ। तो चले जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह से स्टार्ट है मेरा व्लॉग, ईद है आज, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और चले जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कर लें, सब्सक्राइब कर लें जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। पर अभी मैं पूरा तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि घर में बच्चों को देखना है, मेहमानों को देखना है। तो जब पूरी रेडी हो जाऊंगी तो वो भी आपसे शेयर करूंगी। फिलहाल जो है ना किचन में चलते हैं और किचन में देखते हैं क्या क्या मैंने आज बनाया है। बस ये मैंने जो है ना कबाब बना लिए थे और बहुत ही मज़े के कबाब बने थे, सबको बहुत अच्छे लगे थे। और जैसे मेरी रेसिपी सिंपल सी होती हैं कि सभी बना लें। ये अहमद बाबा बता रहे हैं कि ईदी कहाँ कहाँ रखनी है। सबकी ईदी डिसाइड हो गई कहाँ कहाँ रखनी है। कहाँ कहाँ रखनी है? जेब में रखनी है। अभी तो आप बोल रहे थे टेबल पे, यहाँ यहाँ रखनी है, जेब में रखोगे। अच्छा जी, कौन देगा ईदी? आप लोग दूंगी। अच्छा, मैं दूंगी और बाबा देंगे। बाबा देंगे और नन्ना ने भी तो दिया आपको, नन्ना ने भी भिजवाई है ईदी है। नन्ना ने ईदी देती है आपको, भिजवाई है ईदी? नन्ना ने ईदी भिजवाई है अहमद को, अहमद बाबा को? भाई नन्ना ने ईदी भिजवाई है मूसा भाई को, अरम को, सबको जो है ना। खांसी हो गई है। अच्छा चलें भाई ईदी देते हैं। सलाम तो करो बाबा को। अस्सलाम वालेकुम। एक सही है ना? और क्यों यार, एक सही है, दो सही है। और अब ये लो जॉन ले लो, इधर जॉन के मूसा भाई को, मूसा बड़ा हो गया मुझे दे दो जी। और मेरी ये दी तुम्हारी दी मैंने दे दी थी। बस कर रहे हैं, कहाँ दी आपने ये दी? जाओ मेरा वॉलेट लेकर आओ, वॉलेट में रखो।
जी नहीं, अपने पास रख दी। बस कर चलें जी, सारे बच्चे बैठे हुए हैं ईदी के लिए और सब बच्चों को पहले ईदी दूंगी, उसके बाद फिर मैं तैयार अगर बाद में होंगी, अभी नहीं हो रही, तो पहले ईदी दे देते हैं। चलो शो के उठे भाई, दूध तो पहले पी लें। अली अभी चेंज करेगा, आइसक्रीम लेना। कितना खुश हो रहा है उससे। अरे भाई, भैया जो है ना, सारे भैया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सो क्यूट है, ओ माय गॉड, ओए पकड़ के दे रहे, देख तो ले, ओए ओ, आओ इधर, इधर इधर, वाओ, मिठाइयां चेक हो रही हैं, चीजें कबाब, ओ पैसे फेंक दिए भाई, ईदी नहीं चाहिए अभी, केक, हैप्पी टू यू, केक केक केक। कितनी ईदी हो गई? 50 लाख रुपए हो गई है, भर गई ईदी बहुत सारी, भर गई, वाह पॉकेट में बहुत सारी ईदी है भाई, ओए ये देखें, पीछे देखें जरा गाइस, ये देखें इस बच्चे को, काउंट होना शुरू हो गई है, ईदी काउंट हो रही है, इतनी सारी ईदी निकल रही है। चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बोलो मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, अहमद बाबा ने कह दिया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चले भाई, लाइन से बैठ गए बच्चे, क्योंकि मैं अब ईदी दूंगी अपनी तरफ से। बस मुस्तैन मुझे कह रहे थे कि मोहम्मद अली का कुर्ता जो है ना थोड़ा छोटा आ गया, माशाल्लाह से उसकी हाइट वेट बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर बहुत बुरा लगता है। वो की ईदी है मम्मा की तरफ से, और ये नन्ना की तरफ से, ये नन्ना की तरफ से, ठीक है, और ये मूसा भाई की ईदी है मम्मा की तरफ, और ये फिजर भाई की है मम्मा की तरफ से, वालेकुम सलाम, और ये मूसा भाई की नन्ना की तरफ से, माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये खिजर भाई की नन्ना की तरफ से, और ये एमा बाबा की है नन्ना की तरफ से और मम्मा की तरफ से, भाई वाह भाई वाह, जबरदस्त, मजा आ गया। ओ ये सब पारा पारा सा, यहाँ बाबा के पास यहाँ खड़ो, यहाँ खड़ो, यहाँ हैप्पी बर्थडे टू यू, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, अली की दे दे ईदी नन्ना की तरफ से और मम्मा की तरफ से, ईदी, ओए होए इतनी सारी ईदी जमा हो गई, कितना खुश हो रहा प्यारा बच्चा है भाई, ये तो भाई बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह से, ये अच्छा लगेगा दे दो यार, अब जल्दी से ना मम्मा को सब्सक्राइब करवा दें, आप क्लासेस उधर दे दें, मैंने क्लासेस लगा लिए, उसको दे दें आप क्लासेस, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फेसबुक पे फॉलो करें और शेयरिंग करें, चश्मा ला दें, नहीं शेयरिंग करें की दी हो गई, मम्मा ने एक भी मम्मा ने
मम्मा ली, मम्मा को बाय बाय कर दो, गाइस को बाय बाय कर दो, बाय बाय बाय। चलो भाई गाइस को बोल दो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बस ये मैंने पुलाव जो है ना रेडी कर लिया था, कड़ी पत्ता डाल दिया था, हरी मिर्च डाल दी थी और बस ये सब तैयार कर लिया था। बस मेरे छोटे भाई भी आ गए थे, वो सुबह सुबह आ जाते हैं माशाल्लाह से भाभी के साथ बच्चों के साथ, तो उनकी वीडियो नहीं बना सकी, आपको पता है अलाउ नहीं है, तो बस अपनी फैमिली की मैं नहीं बना पाती। और अच्छा बस मेरे भाई आए थे माशाल्लाह से, बड़ी खुशी हुई, और वही सुबह आते हैं। और एक भाई मेरे कैनेडा में है, वो तो नहीं आ सकते, तो बस मैंने आपको बताया था पिछले साल भी मेरी फैमिली में मेरे दो भाई हैं और मेरी चार बहने हैं माशाल्लाह से, सब अलग अलग जगहों पे रहती हैं, वो भी मसरूफ़ हैं, कोई इस्लामाबाद में है तो कोई कहीं है। तो बस ये जो है ना मैंने कलरफुल जो है सवैयाँ रेडी कर ली थी, इसमें चीनी डाल दी थी, अपने हिसाब से डालिएगा, और बहुत ही यम्मी सा बना था ये भी मीठा। और ये मैंने कस्टर्ड रेडी कर दिया था। बस मेरे ना बहुत शदीद दर्द हो रहा था सर में इस टाइम, तो मुझे एक दो मीठे और बनाने थे तो मैंने नहीं बना पाई, क्योंकि रात भर नॉन स्टॉप रमज़ानों में भी जागरा गरक हो गया था, और बस नॉन स्टॉप जागना आसान बात नहीं होती है पूरी पूरी रात। और बस ये मैंने कबाब भी फ्राई कर लिए थे बड़े ज़बरदस्त से, और इस पे हरा धनिया छड़क छड़क दिया था, मिठाई निकाल ली थी बस। और ये मेरा रेडी हो गया था डिज़र्ट, इस पे बादाम पिस्ते मैंने डाल दिए थे, और ये जो है ना ग्रीन जेली थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी थी, बहुत यम्मी सी, बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना ये कलरफुल सवैयाँ मेरी रेडी हो गई थी। ये मेरे भाई जो है ना केक लेकर आए थे और ये मैंने रख दिया था, तो ये सब माशाल्लाह से रेडी हो गया था ज़बरदस्त सा। और बस उन्होंने खाना खाना नहीं खाया था क्योंकि उन्हें और जगह पे जाना था, तो बस इस तरह से जो है ना हमारी ईद गुजरी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कर लें आप लोगों की कैसे ईद गुजरी, आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और सारी एक्टिविटीज़ जो है ना बच्चे खेल कूदते रहे, और बस मैं जो हूँ किचन में ये सब बना रही थी, और माशाल्लाह से दोपहर में जो है ना बस इतनी शदीद सर में दर्द हो रहा था, गर्मी इतनी हो रही थी कि बस उससे बुरा हाल हो रहा था। ये मैं टेस्ट करके बता रही थी, बड़े ज़बरदस्त मज़े का लग रहा था, मीठे चेक कर रही थी कि मीठा कैसा रखा है मैंने, अच्छा रखा था। तो बस ये मैं टेरिस पे ना थोड़ा सा खड़ी हो गई थी, और उसके बाद जो है ना बस मैंने ये झुमके शुमके पहन लिए थे, हल्की पुल्की तैयार हो गई थी। गर्मी इतनी शदीद थी कि दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ और पहनूं। गर्मी है और बिल्कुल शदीद गर्मी के मारे जो है ना मेरा तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि ये कपड़े भी नहीं पहने जा रहे मुझसे भी, इतनी गर्मी है। तो बस क्या करें, ईद है तो ईद के लिए तो तैयार होना पड़ता है, लेकिन मैं ज़्यादा तैयार नहीं हुई इसलिए क्योंकि बस नहीं हुई, दिल नहीं चाह रहा था गर्मी के मारे। चले जी, बच्चों ने भी कह दिया है सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, जो भी मुझे देख रहा है। तो ईद है, ईदी दे दें यार सब्सक्राइब ना करें तो। अरे हम कहाँ जा रहे हो, कब्रिस्तान जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो नन्ना के लिए, फूल लेके जा रहे हो, हैं कितने प्यारे प्यारे फूल फूल दोगे उन्हें गिफ्ट में, हैं चलो जाओ दुआ भी करना, अच्छा नन्ना के लिए दुआ। बस ये लोग कब्रिस्तान चले गए थे, और कब्रिस्तान वहाँ पे जो है मुस्तैन ने ये थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, और बच्चे काफ़ी खुश हुए थे, मुस्तैन बता रहे थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह जब भी ये लोग कब्रिस्तान जाते हैं बड़े खुश होते हैं। और बस फूल लेके गए थे नन्ना के लिए, अपनी नाना दादा और दादी हैं उनकी वहाँ पर, तो बस सबके जो है ना फूल वगैरह डाले और दुआएं की माशाल्लाह। मोहम्मद अली कितना खुश हो रहे हैं माशाल्लाह, दुआ तो देखें ज़रा कैसे कर रहे हैं। तो बस बच्चे हैं आपको पता है, छोटे बेबी हैं तो अभी सीख जाएंगे। और बस ये जो है ना मेरी अम्मी की कमर के पास जो है ना बस बैठ गए टेक लगा के, और ये आ चुके थे वहाँ से। कहाँ गए थे आप लोग, कहाँ गए थे, कब्रिस्तान, कम पेट्रोल था और बहुत रफ्तार में लेकर आए, ओए 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 कैसे बताओ यार, गाइस को कैसे चला रहे थे बाबा, ओए ऐसे चला रहे थे मोहम्मद अली, पड़ाड़ी की तरह चला रहे थे, ओए ओए
से मिले और फूल भी दिए। ईद मुबारक कहा था आपने, प्यार किया था उन्हें या गले नहीं लगाए? लगाए थे राम आपने, गले लगाए थे। भूपा भाई आए भाई इधर सामने आए, भूपा भाई बताएं भाई, भूपा भाई हीरो बने हुए भाई। हाँ भूपा भाई कब्रिस्तान गए थे आप, नन्ना से मिले हैं और गले भी लगे थे उनके हैं, फूल भी दिए उन्हें भाई। वाह भाई सबसे पूछूं ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है बाहर, कितनी गर्मी हो रही है बच्चों बताओ? बहुत गर्मी हो रही है, शदीद गर्मी हो रही है भाई। सबसे पूछती हूँ, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बड़ा मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छी वीडियो है माशाल्लाह से। बच्चों की एक्टिविटीज़ यही रही माशाल्लाह से। ये देखिए मेरे क्वेश्चनों का हाल से बेहाल कर दिया, ये मैं इतनी दफ़ा छुपाती हूँ ना मोहम्मद अली से, लेकिन जो है ना फिर भी मोहम्मद अली निकाल। ईद का सारा दिन हमारा ऐसे ही गुजरा, बच्चों के अंदर, किचन के अंदर, और गर्मी शदीद है और बस सर फटता रहा मेरा। तो आपका कैसा गुजरा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कल मिलेंगे दूसरे दिन इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।